Hi, this is Jogendra Singh and you are watching NCERT class 8th chapter 1 rational numbers example number 2. This example is about how to find product of a rational number. And what our example number 2 says? This says find product of minus 4 upon 5 into 3 upon 7 into 15 upon 16 into minus 14 upon 9. इनको सॉल्व करने के लिए जो मेथड मैंने आपको बताया था वो क्या था न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीपल करो और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीपल करो और जो भी हमारा रिजल्ट आएगा वो हमारा रिजल्ट है बट यहां पर थोड़ा झोल भी है हमको कुछ कटिंग भी करनी पड़ेगी देखो किस तरह सबसे पहले हमने क्या किया एक डिवीजन का साइन लगा दिया उसके बाद ये जितने भी क्रॉस हैं इनटू के साइन हम एज इट इज कैरी कर लेते हैं न्यूमरेटर्स जितने भी है हमारे पास उनको एक-एक करके हम कैरी करते हैं फर्स्ट न्यूमरेटर है हमारा -4 ये ले लिया सेकंड है 3 ये हमने ले लिया उसके बाद हमारा 15 है आ गया फिर क्या है हमारे पास -14 ये भी हमने कैरी कर लिया सेम थिंग हमको डिनोमिनेटर में करनी है जितने भी मल्टीपल के साइन है उनको कैरी करो ये आ गए अब सारे डिनोमिनेटर इनके साथ एक-एक करके कैरी करते चले जाओ फर्स्ट हमने क्या लिया 5 फिर लिया 7 उसके बाद लिया हमने 16 और लास्ट में हमने लिया है 9 अकॉर्डिंग टू आवर मेथड आप क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर्स को मल्टीपल करके यहां पर लिख दोगे और डिनोमिनेटर्स को मल्टीपल करके यहां पे लिख दोगे काफी बड़े नंबर हो जाएंगे जब इनको कट करने की बारी आएगी तो आपको बहुत मुश्किल होगी तो इसकी रिक्वायरमेंट ही क्या है कि हम इसको पहले मल्टीपल करें फिर कट करें हमारे को डायरेक्टली यहां पे कट करने के लिए परमिशन मिल रही है साफ-साफ दिख रहा है कि जितने भी न्यूमरेटर में चीजें हैं और डिनोमिनेटर में चीजें हैं ये आपस में किसी नंबर से अगर क्रॉस होती है डिवाइड होती है कर दो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चूज किया है ये -4 और डिनोमिनेटर में चूज किया है 16 यहां पे याद रखने की चीज है न्यूमरेटर केवल डिनोमिनेटर से ही कट होगा न्यूमरेटर आपस में कभी कट नहीं हो सकते न्यूमरेटर आपस में सिर्फ मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास ये -4 है और 16 है ये दोनों हमारे 4 से डिवाइड होते हैं तो ठीक है सबसे पहले हम इस -4 को डिवाइड करते हैं 4 से देन जस्ट कट दिस नंबर एंड आफ्टर डिवाइडिंग बाय 4 वी हैव -1 हियर सेम जब हम 16 को कट करेंगे 4 से तो हमें क्या मिलता है 4 4 जा 16 4 मिल गया अब हम चूज करते हैं डिनोमिनेटर का 5 और न्यूमरेटर का 15 ये हमारे पास दो नंबर है जो 5 से डिवाइड होते हैं तो हम चलो इनको डिवाइड करते हैं 5 से पहले हमने डिनोमिनेटर का 5 कट किया 5 1 जा 5 तो 5 हमारा रिजल्ट हुआ अब 15 को कट करो सेम 5 से तो 5 3 जा 15 मिलेगा हमें अब डिनोमिनेटर का 7 और न्यूमरेटर का -14 हम चूज कर रहे हैं तो इनको डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिल रहा है 7 को जब हमने कट किया 7 से तो मिला हमको 1 सिमिलरली जब -14 को हम 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है 7 2 जा 14 और ये होगा माइनस का 2 अब हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टाइम 3 है और डिनोमिनेटर में 9 है तो हम इनको कट करके खत्म कर देते हैं कैसे देखो हमने इस न्यूमरेटर वाले 3 को कट किया 3 से तो 3 1 जा 3 बदले में हमने डिनोमिनेटर के 9 को भी 3 से कट किया तो 3 3 जा 9 अब हमारे पास ऊपर एक 3 और नीचे एक 3 है दोनों को आपस में कट कर दिया 3 1 जा 3 और नीचे वाला भी 3 1 जा 3 यहां न्यूमरेटर में -1 1 1 -2 और डिनोमिनेटर में 1 1 4 और 1 मिला यहां पे ये जो 4 है और न्यूमरेटर का ये जो -2 है ये दोनों अब भी आपस में कट सकते हैं किससे कटेंगे किससे डिवाइड होंगे ये 2 से डिवाइड होंगे तो हम इनको डिवाइड करते हैं 2 से पहले हमने न्यूमरेटर के -2 को डिवाइड किया 2 से -1 मिला हमको अब डिनोमिनेटर में हमने 4 को डिवाइड किया 2 से तो बदले में हमको क्या मिलता है रिमाइंडर 2 अब ये जो जितने भी नंबर्स हैं हमारे न्यूमरेटर्स में और डिनोमिनेटर्स में इनको हम एक साथ यहां पर लिख देते हैं ये देखो हमने सारे मल्टीपल के साइन यहां कैरी कर दिए उसके बाद फर्स्ट डिजिट हमने -1 कैरी की
फिर हमने 1 कैरी किया, अब ये जो थर्ड वाला 1 है ये कैरी किया, और लास्ट में हमारा माइनस 1 है फोर्थ नंबर पर, इसे हमने कैरी कर लिया। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर के लिए। डिनोमिनेटर में सारे मल्टीपल पहले तो एज इट इज कैरी करो, और ये जो अनकट नंबर है, अनडिवाइडेड नंबर जो बचे हैं, इनको एक एक करके कैरी करो। फर्स्ट ऑफ ऑल 1, देन कैरी 1, अगेन 2, एंड लास्ट 1 इज 1। यहां न्यूमरेटर में एक माइनस 1 है, सेकंड माइनस 1 है हमारे पास, 2 टाइम माइनस 1 है, और माइनस इनटू माइनस हमारा क्या होता है, प्लस। तो प्रैक्टिकली सारे 1 है, 1 का मल्टीपल कितनी भी बार करो आपस में रिजल्ट आएगा 1, और माइनस माइनस का मल्टीपल हुआ प्लस। तो न्यूमरेटर के लिए हमको रिजल्ट मिलता है प्लस 1, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या क्या है, 1, 1, 2 एंड 1, इन सबका मल्टीपल आता है 2। सो व्हाट इज अवर सॉल्यूशन, अवर सॉल्यूशन इज 1/2, एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक स्प्रेड करो, शेयर करो, लाइक करो, इतना तो बनता है हमारी मेहनत के लिए, और वीडियोस हमारे टाइमली मिलते रहे तो सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करो। सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।